नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, परंतु बड़े भाई साहब को एक सप्ताह पहले उनका हार्ट अटैक आया था। उनको बिल्कुल अस्वस्थ थे, फार्म वही ले गए थे अंदर, क्योंकि हमें तो अलाउ है नहीं फार्म ले जाने का अंदर। उनने मिसेस से फार्म ले लिया और उनने फिर वहाँ पर फार्म जमा कर किए नहीं उनने जमा। तो जाति प्रमाण पत्र की बात वहाँ से नहीं, जाति प्रमाण पत्र में तो चूंकि यह था कि हमारी जो मिसेज है, जो मायके का जाति प्रमाण पत्र लगता है, मायके का सर्टिफिकेट लगता है, तो उस सर्टिफिकेट में गोमती सिंह लिखा हुआ था और जाति प्रमाण पत्र बना जानकी सिंह और गोमती सिंह के नाम से। तो हमें तो यही डाउट हो रहा था कि चूंकि हमें अंदर जाने नहीं मिला, तो हमने कहा शायद ऐसी स्थिति ना हो उसके कारण ये हमारा फार्म न रिजेक्ट। तो फार्म किसने जमा नहीं किया आपका? बड़े भाई साहब ने। ऐसा क्यों किया? मतलब वो तो उनको हार्ट अटैक था, तो वो तो गिर गिर जा रहे थे वहाँ पर। उनके हमें वो तो हमें जब वोट करने के लिए बुलाया उस समय कलेक्टर ने, तभी हम वहाँ पे हमें अंदर प्रवेश होने को मिला। कहीं ये तो नहीं लगा कि हमारे पास मैंडेट नहीं है या हमारे पास उससे प्रत्याशी नहीं है? तीन चार कैंडिडेट तो थे फिर भी थे हमारे पास, क्योंकि उनने उनके पक्ष के कैंडिडेट उनने गौरव पटेल के चार प्लस चटन पटेल और बलराम पटेल जो भी किए हो, छह लोग तो उनके पास थे। धर्मेंद्र कटारी और वो कैसे आठ लोग उनके पास पहले से थे। ऐसी चर्चा है कि आपने जानबूझ के फॉर्म नहीं भरा? नहीं नहीं, हमें जाने मिलता तो हम कभी फार्म भरने को हम कभी ये कोशिश करते कि हम फार्म ना भरें। तो मैंडेट तो हमारे नाम से जारी है। मैंडेट मिलने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखे? पूरे डॉक्यूमेंट वकील लेके गए, हमारे जिलाध्यक्ष जी लेके गए, सब गए अंदर। फिर इतनी बड़ी गलती? गलती चूंकि बड़े भाई साहब हमारे अस्वस्थ थे बिल्कुल, वो बिल्कुल वहाँ फार्म देने में उन्हें दिए नहीं। उनसे हमने बार बार पूछा भाई साहब आपको फार्म तो जमा करना था। पटेल जी जो विजयनगर में कार्रवाई हुई, विजयनगर से कार्रवाई हुई थी, उसमें आप थे क्या? कौन सा विजयनगर? विजयनगर दमोह में है जो? नहीं, हम कभी नहीं गए, आप तक नहीं गए विजयनगर, हमारे जाने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, विजयनगर हम क्यों जाएंगे, हमें क्या लेने देना विजयनगर? रुपया कोई कोई जिला सदस्य थोड़ी, जिला सदस्यों के निवास पे हम जरूर गए, मगर कांग्रेस के जिला सदस्य के निवास पर हम आज तक नहीं गए। अभी पहला पटेल जी ने एक बयान दिया था कि जिन्होंने आपकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की है, आपका समर्थन किया है प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से, उनकी जवाबदेही तय होना चाहिए कि चुनाव क्यों से हारी गए। तो क्या प्रहलाद पटेल का आपको समर्थन नहीं था? प्रहलाद पटेल ने खुद हमसे बोला कि आप जाइए भोपाल, वहाँ से आपको मैंडेट जारी हो रहा है, आप वहाँ से मैंडेट जारी करा के आइए। उनके निर्देशन पे हम गए, बाद में ये भी समझ रहे थे कि एंड में हमारे साथ जीत होगा हो जाएगा। बाद में फिर क्या किया उन्होंने? किसने? प्रहलाद पटेल ने। नहीं, प्रहलाद पटेल क्या करेंगे, वो तो आउट हो गए थे यहाँ से। वो शिवचरण पटेल का मेन भूमिकाकार तो वही था वहाँ। धोखा किस तरह का हुआ? धोखा ये हुआ कि जो हमारे जितने सदस्य थे उनको प्रहलाद शिवचरण पटेल ने अपने घर पर बुला के शाम को 6 बजे से रात के 3 बजे रात तक उनको गौरव पटेल के चारों, गौरव पटेल प्लस उनके तीन कैंडिडेट बलराम पटेल चटन पटेल की मैसेज को फर्जी बना के ये 6 लोग हुए, और फिर उन दो को बोला कि धर्मेंद्र कटारे प्लस मनीष तंदुआ ये कंटिन्यू बैठक चली रात में। और हम लोग बीजेपी के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह, हम और विक्की गुप्ता पार्षद यहाँ के पार्षद भी गए थे हमारे साथ, हम लोग पूरी रात इंतजार करते रहे कि धर्मेंद्र कटारे अपने निवास पर आ जाए, उनसे चर्चा हो जाए करके इसके संबंध में, परंतु उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और दूसरे दिन 11 बजे तक उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, और शिवचरण का फोन जरूर हमारे पास 10:30 बजे करीब 11 बजे करीब आया कि आप आ जाए जटाशंकर में, जो हमारे ये है। जब वहाँ जटाशंकर के उस पर पहुँचे हम तो वहाँ पर गए तो कोई शिवचरण नहीं ना कोई वहाँ पर, हम तत्काल वापस अपने कलेक्ट्रेट पहुँचे फार्म भराने के लिए। अच्छा, रुपयों की लेन देन के आरोप चल रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल अफवाह है, फालतू। तो पैसे का तो कोई लेन देन कहीं किसी से कोई हुआ ही नहीं कहीं, तो अफवाह है ये, तो हवा में बातें चलती हैं, सो चलती रहती है। ये कोई साक्ष्य बता दे कि कहीं से भी पैसे का लेन देन हुआ है। तो अब अंतिम निर्णय क्या रहेगा आपका, आगे की कोई योजना, कोई प्लानिंग? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री हमारे, प्रदेश के संगठन महामंत्री रतानंद जी, और हमारे जिले की टीम जो पूरी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके निर्देश पर मुझे मैंडेट जारी हुआ था। और मैं, मेरा तो अंतिम यही है कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में रहूँगा, बीजेपी का जो आदेश होगा उसको
कंटिन्यू पालन करें। आपने कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो क्या आपने इन सारी बातों सत्य के माध्यम से प्रदेश को जा चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जा चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा चुकी है, और इस पर आगे कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने धोखा दिया है, आपके पास कितने प्रत्याशी थे और आप जब नाम जारी हुआ है, तो कौन कौन आपके समर्थन था और कौन कौन आपके विरोध में? देखिए, जब हम सबसे शुरू में मैंडेट जारी हमें बुलाया गया प्रभारी मंत्री जी ने, गोविंद सिंह राजपूत जी ने, तो बलराम पटेल और हम दो जनों को लिए मैंडेट बुलाया गया, तो हुआ कि आप दोनों पल ने किसको मैंडेट जारी कर दिया। तो हमने बोला बलराम पटेल ने, मेरे पास छह लोग छह सदस्य हैं। तो हमने कहा अगर आपके पास छह सदस्य हैं तो दो सदस्य हम देते हैं आपको, बिल्कुल आप अध्यक्ष बन गए। तो इस पर प्रभारी मंत्री जी ने बोला मैं दो दिन का बलराम पटेल जी आपको समय देता हूँ, दो दिन बाद आप छह सदस्य दिखा दें, मैं दो वोट इनसे दिलवा दूंगा। मगर एक सप्ताह हो गया तो बलराम पटेल जी नहीं पहुंचे, क्योंकि बलराम पटेल प्रहलाद पटेल जी के बहुत खास खास थे। उनको तो समय टालना था कि कैसे करके मैंडेट लेट हो गई। मैंडेट 26 तारीख को मैंडेट जारी हुआ, 27 को आए, 27 से हम लोगों ने पार्टी के पदाधिकारियों ने सबके यहाँ जाना शुरू कर दिया। और जो हमारे साथ एक सदस्य और था मैंडेट जारी होने के बाद, दिपाल सिंह, जैसे ही उसकी फोटो वायरल हुई सीएम साहब के साथ में, तो वो हमसे पिपड़ गया कि आपने, आपको निर्दलीय लड़ना था, आप पार्टी से क्यों अतिरिक्त हुए। ऐसी परिस्थिति में मिल गई। आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी की भी जिला शाही नहीं जो प्रत्याशी लेट हुई? चूंकि बलराम पटेल के कारण मैंडेट लेट जारी हुआ है। बलराम पटेल ने बोल दिया था हमारे पास छः हैं, पर उनके पास पता चला कि स्वयं के अलावा एक भी कैंडिडेट नहीं, एक भी सदस्य नहीं, ये स्थिति बनी। किसी लोगी ने भी आपको कोई संस्कार व्यक्ति तो है नहीं, वो लड़पन है अभी। किसी को वोट कहाँ से मिल गए उनको, पहले ये बता दें। किसी को जो वोट मिले हैं कोई वो वोट नहीं कर देगा। वो क्या नाम है, ब्रजेन, ब्रजेन को कमलनाथ जी का फोन पहुंचा था, देखिए आदि वो हारता है तो आपको टिकट नहीं दी जाएगी, और अगर वो जीतता है वहाँ से गौरव पटेल, तो आपको पथरिया से टिकट दी जाएगी अगर आप वो जीतता है। इसलिए वो भले उनके साथ थे, वोट तो उसने वहाँ किया है। रही बात अठिया की, तो अठिया ने 100% उनको वोट किया है, जिन्होंने बिल्कुल दावे के साथ किया था, क्योंकि मैंने जब अठिया से कई बार संपर्क साधा है, तो उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि अभी ऋषि चुनाव लड़ेंगे तो मैं ऋषि को वोट करूंगा, तो बाकी के दो हमारे और दो ऋषि स्वयं और दिखपाल, चार वोट दिए और एक अठिया का पाँच वोट उनको प्राप्त हुए हैं। टूटा आपका कहना है कि आपने ऋषि वोट किया, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। वो भले कैसा भी एलिगेशन लगाए, क्योंकि 11 बज चुके थे जटाशंकर में जब हम गए यहाँ से। नीतम सिंह जी अब 10:45 पे हमारे साथ चले यहाँ से, हमारा वकील साथ में चला नाम लिखे जमा करने के लिए, और वहाँ गए उनका फोन आता है कोतवाली के पास के आप जटाशंकर आ जाए, छह लोग हैं, दो आप है, आप अध्यक्ष बन जाए। वहाँ पहुंचे तो कोई सदस्य नहीं उनका, ये तो सब फालतू अफवाह है, अफवाह पर जमात है पूरी। वो तो पहले ही से डिसाइड हो गया था उनका कि गौरव पटेल को अध्यक्ष बनाना है, ऊपर से हरी झंडी मिल गई थी उनको अपने आका की। अरे ऊपर अब उनके आका कौन है आप सब जानते हैं, आका को बोलने की जरूरत कहाँ है, उनका संरक्षक जो है आप सब जानते हैं कि कौन है, ये खुली खुली किताब है। क्या मानते हैं कि आका क्यों नहीं आपको बनता, क्या आका अगर हमें सपोर्ट कर देता तो उनका यहाँ से बनता कर जाता, सीधी बात थी। भारतीय जनता पार्टी के उनको स्वीकार नहीं कर गया। एक तरफ वो आपको मैंडेट के लिए बोलते हैं कि भोपाल चले जाए, वो तो मजबूरी थी मैंडेट में बोलना उनका, तब पूरा ऊपर से मैसेज आ गया कि मैंडेट इनके नाम पर जारी है, उनकी मजबूरी थी मैंडेट को जारी करना। लेकिन आका कौन है आपको क्यों नहीं बोलते, आका कौन है मुझे इतना तो आप सब समझते हैं, लेकिन आप तो समझदारों के लिए तो सारा काफी होता है। हम लोग समझ रहे हैं लेकिन पब्लिक जानना चाहती है कि कौन है आका, कौन है आका का नाम ले दो, सब जानते हैं। सूचना पट्टा ने कहा है कि आप नहीं है उनके पास, वो लिए
सुरक्षा बड्डा नाम ले कहा है आपका, भार्गव जी का, जयंत मलैया का, आप क्यों नाम ले किसी का भाई? उन्हें नाम ले कहा उन्हें तो क्या है जो लोगों ने उनका संरक्षक कौन है, उनका आका कौन है, वो सब दूसरा व्यक्ति नहीं है, सिंगल वन मैन है। जनता तो नाम मांगेगी ना, आप नाम क्यों नहीं बता रहे? अरे उन्हें नाम बताया ना, आप बता दीजिए किसने नाम। यार इतना तो आप लोग सब समझते हो, आप क्यों डर रहे हैं नाम लेने? जनता ही समझेगी, फिर आप कहोगे क्या साक्ष्य है आका का, क्या साक्ष्य है? तो साक्ष्य तो अब कोई इतना तो सबको ही समझता है कि कौन के कौन संरक्षक बैठे हैं। आपने शिकायत की थी पुलिस में, किस बात की शिकायत की थी, किस प्रत्याशी की शिकायत थी? है आप पुलिस अधीक्षक दमोह से मिलने गए थे, किसकी शिकायत थी? एसपी के पास कोई शिकायत की थी आप? शिकायत तो वो ऋषि के संबंध में की थी हमने, क्योंकि ऋषि एक असली शब्दों का भाषा का उपयोग किया था हमने, कि वोट नहीं किया, जबकि सारा वोट किसको करते थे हम, उसको करते गौरव पटेल को, वोट तो हमने उन्हीं को किया, फिर भी उनको शक था कि इनने वोट नहीं किया और इनने अपने समर्थकों का वोट नहीं दिलवाया। जब हम खुदाई हम अपना नामांकन जमा नहीं कर पाए तो हमारे समर्थक कहाँ जाएंगे, वो तो जिसको जहाँ मर्जी आई गए वो। दूसरे तरफ ऋषि ने शिकायत की आपकी, क्या हमसे वोट ही चाहिए जो ये हमारा अमाउंट नहीं आ रहा? किसको ऋषि ने कोई शिकायत की थी कोई अमाउंट को लेकर? पैसे मनी आज तक कोई भाई हम हमें क्या कोई पैसे की कमी? हमारा इनकम टैक्स में रिकॉर्ड देख ले, हम लोग उनके पैसे उनके भिड़िए नहीं है। हमारा इनकम टैक्स में रिकॉर्ड देख लो कि हमारे पास क्या है आज का नहीं, जब हम कॉन्ट्रेक्टरशिप करते थे तब हमारे पास करोड़ों का खेल होता था। आपके ऊपर पूर्व में भी एक आरोप लग चुका है कि आपने अटल जी की सरकार में कुछ सब अफवाहें थी, टोटल अफवाहें। अगर ऐसा होता तो हम जनशक्ति में जाने का क्यों हमने वहाँ डिक्लेरेशन किया था? हम कांग्रेस ही में नहीं सीधा डिक्लेरेशन कर देते उस समय हमने टोटली, जब इन लोगों ने हमारे मंदिर पे तोड़फोड़ करवा दी वहाँ पे, तब हमने पूरा मन बना लिया था कि हम यहाँ बीजेपी से छोड़ के जनशक्ति में जाएंगे। अभी हमने कांग्रेस की मानसिकता नहीं बनाई थी। क्या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी छोड़ने का निर्णय गलत था? जिला पंचायत सदस्य रहे, विधायक रहे, सांसद रहे और आज आप वहीं पर जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते। जिस उस परिवेश में रहता है वो अपने उस परिवेश में जहाँ का कहाँ वापस आ जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। बीजेपी के हम थे, बीजेपी के आंतरिक पूरी भावना थी और अंत में बीजेपी में अपना बीजेपी में हमारा एंड होना है। कोई आपको बीजेपी जिस प्रकार से हम एक वो शिवकेड़ा जी की वो याददाश्त आपको लोगों को बताते हैं कि हमें तो अपने अपने वालों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आपका इशारा जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।